तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था पेज इज ए पिक्चर एंड पिक्चर लिंक के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप के बारे में। तो पिक्चर लुकअप क्या, तो आप लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप क्या करता है, डेटा को लुकअप करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कॉलेज स्कूल का, मान लीजिए एक छोटा सा स्कूल है, स्कूल का आपने डेटाबेस तैयार किया, उस डेटाबेस में आपने रोल नंबर डाला और रोल नंबर से उसकी पूरी डिटेल्स, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास वगैरह, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ आ जाता है, बट उसका फोटो कैसे लुकअप करेगा, राइट सर? इसके और भी तरीके, या फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं दो डेटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे सेल्स मंथ वाइज सेल्स है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया तो क्यों फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप करण जी क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ। और यहाँ पे हमने सेल्स कर दिया, एक सेल्स हमारा है जो कि मंथ वाइज सेल्स है हमारे पास, और इसके मान लीजिए विजिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे मैं बॉर्डर छोटा लगा देते हैं इंसर्ट, और यहां हम पिक्चर ले लेते, ठीक है? और इसी तरह का एक और रिपोर्ट हमारे पास है, वो मान लीजिए रिपोर्ट्स हमारे जोन वाइज है, और यहाँ पे हम सेव जोन में यहाँ पे साउथ ईस्ट बेस्ट नॉर्थ और सेंट्रल, और फिर उनके सेल्स है। और फिर इस पे हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करते हैं कोई और। तो ये ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, राइट सर? अब जैसे कि मेरे पास जो समरी रिपोर्ट्स है उसपे मैंने गया डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में यहां जाके हमने डेटा में वैलिडेशन यहाँ लिस्ट में हमने दे दिया कि मुझे सेल चाहिए मंथ वाइज और चाहिए जून वाइज, राइट? तो मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करूं तो हमारा ई रिपोर्ट आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं जोन तो फिर मेरा जोन का रिपोर्ट आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और अच्छा लिखने के लिए हमने बैग में कर लिया, हमने क्या किया कि इसको अब इस एरिया को, दोनों का अलग अलग एरिया है और कंफ्यूजन है, इस एरिया को एक नाम दे देते हैं। तो फॉर्मूला बार में गए और हम डिफाइन नेम से, मैंने इसका नेम दे दिया मंथ, तो मैं नेम वही दूंगा जो लिस्ट बॉक्स में लगा हुआ है, वहां पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू जो लगाया है लिस्ट, और इसका नाम मैंने दे दिया जो, डिफाइन नेम और इसका नाम दे दिया जो, राइट?
अब मैं क्या कर रहा हूं कि किसी एक को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, अब पेस्ट एज पिक्चर लिंक तो यहां पे दिख रहा, तो यहां पे पूरा तेरा मैं यहां पे जोन दे दिया, तो इस जोन वाइज आ गया डेटा। अगर मैंने यहां पे जोन को चेंज किया और मंथ कर दिया तो डेटा मेरा मंथ बन जाएगा। तो जोन करो या मंथ करो, मेरा रिपोर्ट यहाँ दिख जा रहा है। यहां तक समझ में आ गया सर जी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मुझे इससे इसको लिंक करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी टू पे जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को टेक्स्ट समझता है। मतलब कि इसके अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया बी टू कर दिया, तो बी टू को समझेगा कि बी टू को लिंक करना है। उन्हें समझेगा कि बी टू के अंदर जो जोन दिया हुआ है, उस जोन नाम के रेफरेंस को लाना है। इसको समझ में अभी नहीं आ रहा है, पता चल गया? नहीं सर, नहीं पता चला। जैसे कि आपके सर तो सर वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर। मैंने मैक्सिमम किया हुआ है अपना। हाँ, यहाँ पे देखिए बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे डेटा जो आ रहा है, हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों का नेम डिफाइन कर दिया। ये तो समझ में आ गया? हेलो जी। नेम क्यों डिफाइन किया? अगर नेम डिफाइन नहीं करेंगे तो इसकी तो ये है रेफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा रेफरेंस है, इसलिए शॉर्ट नेम दे दिया, निक नेम टाइप का दे दिया। इसको जोन समझ रहा है, इसको मंथ समझ रहा है। ठीक है, हमने पेस्ट वैल्यू किया। हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जिसे हम पेस्ट वैल्यू पेस्ट पिक्चर करते हैं, पेस्ट पिक्चर करते हैं, इसके ऊपर रेफरेंस होता है, इसको हम यहां से चेंज करके बढ़ा घटा सकते हैं। राइट सर, तो यहां पे जब हम बढ़ा सकते थे, मैं यहां पे डायरेक्ट जोन भी लिख सकता हूं, जो कि हमारा निकनेम है रेफरेंस का। यहां तक तो समझ में आ गया था आपको? तो यही चीज मैं यहां पे अगर जोन लिखता हूं तो आ जाता है, और मंथ लिखता हूं तो आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि मैं यहां पे, मैं इसको सिलेक्ट करके यहां पे टाइप नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यूजर यहां पे सिलेक्ट करे, राइट? तो प्रॉब्लम है कि अगर आप यहां पे बी टू कर देते हो, तो आपकी आपका जो ये है पिक्चर जो है, ये एक चीज को नहीं समझ रहा है कि बी टू की जो वैल्यू है, वैल्यू जो जोन है या फिर मंथ है, वो एक रेफरेंस है, वो सीधे यहाँ बी टू को शो करता है, बोलता है अगर मैं यहाँ पे इक्वल करूं और सम करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं जोन, समझ गए? जोन का सम मिल जाए। लेकिन अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो बी टू नहीं समझ पाएगा कि बी टू का जोन एक रेफरेंस है, तो एक एरिया का नहीं। हम फॉर्मूला है कि बी टू कभी नहीं समझ पाएगा बी टू से रेफरेंस है। तो बी टू को इसको सम को समझाना पड़ेगा कि बी टू जो हमने दिया है उसकी जो वैल्यू जोन है, वो जोन कोई टेक्स्ट नहीं है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया टेक्स्ट नहीं है, वो एक रेफरेंस है। समझ गया? काम ये चीज समझाने का काम करता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हमने जोन दे दिया, डायरेक्ट यहाँ पे चलता है। अब इनडायरेक्ट है, यहाँ देखिए इनडायरेक्ट कर रहा है जो हमारा बी टू जोन है, है इसका मतलब कि टेक्स्ट ले रहा है, और इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इस टेक्स्ट को टेक्स्ट के नाम का सुनेगा, निक नेम का रेफरेंस क्या है, और उस रेफरेंस को रिटर्न कर देगा सी टू ए वन से एफ ट्वेंटी थ्री। तो इनडायरेक्ट क्या करता है, समझ में आ गया आपको? जी।
मतलब ये हुआ ना कि आप इक्वल टू सम करते हैं और सम करने में आपने बोल दिया डी टू, कर लेता है। लेकिन यही डी टू मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं बोला कि भाई सम, और ये जो डी टू ये डायरेक्ट नहीं लेगा, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। इनडायरेक्ट का जो रेफरेंस है उसको रेफर किया तो बैकग्राउंड का शांत जगह पे बैठा कीजिए प्लीज। तो यहाँ इसमें हम सर इसमें इनडायरेक्ट F2 मेंशन करेंगे या इनडायरेक्ट D2? F2 लिया ना, रेफरेंस ले लिया F2 की वैल्यू। अच्छा D2 तो फिर इनडायरेक्ट क्यों लगाएंगे हम? और अगर हम लेते हैं इनडायरेक्ट D2? अगर आप नहीं इन आप अगर इनडायरेक्ट D2 क्यों लिखेगा, फिर डायरेक्ट आप सम में D2 क्यों नहीं कर देंगे? जी जी मैं एक बात है कि हमारा रेफरेंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी रेफरेंस होगा वो F2 में टाइप हो जाएगा जी, उस केस में मिलेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इनडायरेक्ट क्या करता है जी। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इस जोन का रेफरेंस लेके देता है, ढूंढ के देता है। अब प्रॉब्लम कि मैं इसके अंदर में अगर ये करूं इनडायरेक्ट और बोलूं जोन, कि तुम पिक्चर लिंक को जोन का रेफरेंस ढूंढ के दे दो ताकि यहां पे जोन का डेटा दे, बट ये नहीं है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में सिर्फ आप दे सकते हैं डिफाइन नेम या फिर रेफरेंस, कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते, ये बाउंडेशन है। नया पंगा आ गया, एक पंगा आया तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया इनडायरेक्ट से, अब दूसरा पंगा यहाँ पे आ गया, इनडायरेक्ट फॉर्मूला लेगा ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? लेकिन डिफाइन नेम लेता है और डिफाइन नेम जो है वो फॉर्मूला लेता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एस एच या कोई भी नाम कुछ भी नाम दे दूंगा, बनाया एक नया ना डिफाइन नेम बनाया और इसको मैंने बोला कि भाई तुम्हारा कोई रेफरेंस नहीं है, तुमको इनडायरेक्ट फॉर्मूला चलाना है, डायरेक्ट और इसमें हमने दे दिया जी टू, समझे जी। तो अब यहां पे हम कॉमा सम के अंदर में एसएच करते हैं तो उसी को पिक कर रहा है, ठीक है, आपको जोन को पिक कर रहा है जी जी, और इसमें हमें इनडायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सम आ जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट इसके अंदर लगा हुआ है, समझ गए जी। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन नेम एक्सेप्ट करता है और डिफाइन नेम फॉर्मूला एक्सेप्ट करती है, तो हमने बीच में इंटरप्रेटर बनाया और इसको दे दिया, अब हो गया। अब जैसे मैं यहां से मंथ चेंज करता हूं तो ये इनडायरेक्ट अपना रेफरेंस चेंज करता है और इनडायरेक्ट रेफरेंस चेंज करता है तो यहां पे एक और आ जाता है। मतलब ये हुआ कि एक कनेक्टेड है इससे और एक कनेक्टेड है इससे, समझ गए जी। तो मान एसएच को सप्लाई करता है, एसएच कन्वर्ट करके रेफरेंस बनाता है और फिर वो पिक्चर लुकअप को सप्लाई, पिक्चर लिंक को सप्लाई करता है। क्लियर है? ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एक तो चलो ठीक है मेरे पास एक डेटा है जिसमें कई सारे नेम है, लिस्ट है एक तरह से, एक मान लो कि आपके स्टूडेंट कार्ड वाला जो बता रहा है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे हमारा टू है, यहाँ पे वन है,
टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, इनकी अलग अलग अपना फोटो है सर। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब यहां पे मैं जाता हूं गूगल से कुछ फोटो उठा लेता हूं। ये बहुत सारे फोटो है तो मैं एक एक कॉपी करता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है तो मुझे पेंट करने के जाना पड़ेगा। इसको रिसाइज करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कॉपी मैच इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम और इसकी ये रहता है 1.04। दूसरा फोटो लेके आता हूँ। सर पीछे से काफी शोर आ रहा है सर। अब यहाँ पे चौथा नंबर दो और फोटो रख लेते हैं, पांच मिल जाएगा। लास्ट एक कॉपी कर देता हूँ। कैसे अपने उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उसके फोटो इस तरह से और रोल नंबर के साथ अटैच करते चले जाए, ठीक है सर जी। अब यहाँ पे अब जैसे कि मान लीजिए किसी और लोकेशन पे हम यहीं पे करते हैं, यहाँ पे कर नीचे
इसी पे मैं रोल नंबर लिखना चाहता हूँ, रोल नंबर वन, और यहाँ हम एक फोटो का एरिया फ्रेम देते हैं। इस फ्रेम में मुझे उनको की फोटो चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेज एज ए पिक्चर लिंक कर दिया। ठीक है सर, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे 1-2 से लिंक हो, लिंक नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी जैसे वी लुकअप होता है ना, उस तरह से भी काम करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को उसको कॉलम या रो में सर्च करता है और उसका लोकेशन बताता है। जैसे बता दिया भाई पहले नंबर रो पर है, 2 दूसरे नंबर रो पे है, 3 तीसरे नंबर रो पे, 1-2-3 है, इसके जगह पर मान लीजिए 101, 102, 103 होता तो उसके साथ। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 है तो नहीं दे रहा है, इसका पोजीशन दे रहा है। अभी 101 कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 करूंगा, तो यहाँ पे 101 करूंगा तो यहाँ पे 1। ठीक है, समझ आया सर आपको? सौरभ जी जी सर, मैं समझ में आ गया सर? जी जी बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, हमें इससे इसका रेफरेंस बनाना है। तो मुझे इसका बी से चाहिए ना, मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वल किया और हम चले गए सीट 4 में और हम बी 2 को सिलेक्ट कर। इसमें इसका जो रेफरेंस है आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपका सब कुछ तो सही है, बस बी के जगह 1-2-3 है, इसके जगह पे आपका मैच का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। क्या सर? यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल देख इन्वर्टेड कॉमा लगाया और इसके साथ हमने मैच को लगा दिया। अब यहाँ पे B1, B2, B3, B4 आ गया। क्या सर? जी। लेकिन क्या आया, किसमें आया? टेक्स्ट में आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ वही सेम मेथड जो मैंने अपनाया था उसी मेथड को अपनाऊंगा, मैं डिफाइन दूंगा जिसमें लिखूंगा PIC पिक्चर, और यहाँ पे मैं इक्वल इनडायरेक्ट के अंदर में इसी फॉर्मूला को दे देंगे। यहां देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमने PIC किया इसमें इनडायरेक्ट C4B और मैच का फॉर्मूला लगा हुआ है C20 राइट सर, 4 नंबर पे और A कॉलम में। अब इसका जो हमने यहां पे दिया है, यहां पे मैं इसको देता हूं PIC। ठीक है, रुकिए मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत है, इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। इसलिए हम अब इसको कॉपी करता हूं, फिर डॉलर साइन के चक्कर में ऐसा हुआ। अब मैं इसको PIC को इससे पेस्ट कर देता हूं,
इसमें इसमें क्या बोलते हैं, इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, एरो दीजिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पे पीएसी करता हूं। आ गया सर। अब मैं वन करूंगा तो वन का टिक आएगा, टू करूंगा तीसरे में तीसरे का आएगा, या फिर चौथे का आया, पांचवे का। सर इसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि हमने इसमें मैच का इस्तेमाल किया, मैच इस रोल नंबर को रोल करके उसका रो नंबर बता रहा है, फिर इसके रेफरेंस के साथ हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, और इसी कंबाइन की फॉर्मूले को हम जाके इसमें नेम मैनेजर में डाल दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पिक्चर पे नहीं जाता, इसको हम रेफरेंस के थ्रू ले जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ ले गया है। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कि थोड़ा सा अभी आगे का चीज था, लेकिन पिक्चर लुकअप में अभी पिक्चर लिंक पढ़ा रहा था आपको, तो मैं सोचा ये बता देता हूँ, आपको पता चलेगा पिक्चर लिंक साधारण नहीं है, इसलिए अब इस फाइल का मैं आपको भेज देता हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक ठीक है, ये फाइल मैं आपको मेल दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक सर। अगर कुछ पूछना है प्रीवियस क्लासेस से या फिर कोई और टॉपिक हो तो डाउट, नहीं सर अभी नहीं है, ठीक है सर, अभी कुछ होगा फिर पूछ लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।